आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। नोएडा के ट्विन टावर या कहें कि भ्रष्टाचार की इमारतों को तो गिरा दिया गया, लेकिन ये दो इमारतें बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या अवैध निर्माण सिर्फ इन दो ही इमारतों में था? ऐसी न जाने कितनी इमारतें हैं जो गलत तरीके से बनाई गई हैं। कहीं गैर कानूनी फ्लोर बने हैं, कहीं बेसमेंट, तो कहीं पूरी की पूरी बिल्डिंग ही खड़ी कर दी गई। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि इन्हें इजाजत कौन दे रहा है? कैसे प्रशासन की आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है? वो कौन से अधिकारी, कर्मचारी या फिर एजेंसियां हैं जिनकी छत्रछाया में भ्रष्टाचार की इमारतें खड़ी की जा रही हैं? हम उससे भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन पहले ट्विन टावर की कहानी खत्म होने के बाद के हालात से आपको रूबरू कराते हैं। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बनी दो आकाश चुंबी इमारतें देखते ही देखते कुछ सेकंड के अंदर धराशाही हो गई, पीछे सिर्फ गर्द गुब्बार रह गया। जहां कल तक नोएडा के ट्विन टावर्स खड़े थे, अब वहां कुछ भी नहीं है सिवाय मलबे के, और ये मलबा भी लगभग 3 मंजिला इमारत के बराबर है। पहले कहा जा रहा था कि ये जो मलबा होगा तकरीबन ऐसा कि 3 मंजिला इमारत, लेकिन अभी आप देखिए तकरीबन 3 से 4 मंजिला इमारत की बराबर तो ये सिर्फ मलबा है। और इस मलबे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत समय लगने वाला है। कोच्चि में कुछ इससे छोटी इमारत जो गिरी थी उसको हटाने में तकरीबन 6 महीने का वक्त लगा था, और ऐसे में अब आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं इस मलबे को हटाने में आप देखिए और ज्यादा वक्त जो है वो लग सकता है। सोसाइटी और जो ये टावर था उसके बीच कितना कम स्पेस था ये हम आपको जरा दिखा रहे हैं। आइए ये देखिए, यहाँ पर ये ऐसे कर्टन लगा दिए गए थे। ये आप जो इंतजाम, जो आप जब इमारत अगर आपको याद होगी तो आपको सफेद और काले कलर के देखिए इस तरीके के ये पन्नी लगाई गई थी, जिसकी वजह से अभी इसको अगर आप देखें तो ये नॉर्मल जो आप देखते हैं उससे बहुत अलग है। ये मटेरियल जो कपड़े का यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मोटे मोटे कपड़े के यहाँ पर ये लगाए गए थे ताकि जो इसका मलबा निकले जब विस्फोट हो तो बहुत दूर तक मलबा नहीं जाए, सब कुछ अंदर ही रहे। और इसी कोशिश के साथ यहाँ पर उस वक्त तैयारी की गई थी, और तैयारी के बाद उसको बहुत ही जैसा सोचा गया था वैसा ही एग्जीक्यूट किया गया है। क्रैक्स जो है वो आसपास इन जगहों पर जरूर आए हैं, लेकिन अगर उनको छोड़ दे तो कोई डैमेज आप देखिए अगल बगल की दीवारों पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ना इस पर कोई असर हुआ। हालांकि ये जो चादर लगे वो थोड़े जरूर प्रेशर से हो सकता है फट गए हो थोड़े बहुत, लेकिन बहुत नुकसान आप देख रहे हैं यहाँ नहीं हुआ है। जितने दूर के एरिया में ब्लास्ट हुआ, जितने को टारगेट किया गया उसी हिसाब से ये बिल्डिंग ढाई गई है, जिसको लेकर लोग तारीफ भी कर रहे हैं। यहाँ आप अगर देखिए ये बड़े बड़े लोहे सरिया जो आपको नजर आ रहे हैं, अब इसको हटाने का काम बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इमारत इस तरफ तो हम आपको दिखाई रहे हैं, ये बड़े बड़े टुकड़े के तौर पर आप देखिए, इनको बकायदा अभी तोड़कर ट्रकों में भरकर इस मलबे को हटाया जाना है। थोड़ी इमारत अभी वैसे ही बची हुई नजर आ रही है, यानी इसी तरीके का कुछ मलबा है जिसको तोड़कर हटाने का काम आगे होने वाला है। उसके लिए भी जो है तैयारियां आगे चल रही है, ट्रकों के इंतजाम किए गए हैं, जेसीबी मशीनों का आप देख रहे हैं, जेसीबी मशीनें यहाँ पर लगी हुई आपको नजर आ रही है। तो सड़क पर जो मलबा था उसे फिलहाल हटा लिया गया है, अब धीरे से काम अंदर का हो। हजारों टन बारूद से दोनों इमारतों को उड़ाने से पहले प्रशासन और पुलिस ने सभी जरूरी इंतजाम किए, लेकिन फिर भी बटन दबाने से पहले तक चिंता थी, क्योंकि देश में पहली बार इतनी बड़ी इमारत को गिराया जा रहा था। आसपास की इमारतों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती थी। राहत की बात ये रही कि धमाके के बाद जब टावर गिरे तो किसी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन हवा में, सड़कों पर और आसपास के घरों में धूल मौजूद है और इसे जल्द से जल्द हटाना प्राथमिकता है। ट्विन टावर तो ध्वस्त हो चुका है, लेकिन जो धूल का गुब्बार उठा उसको किस तरीके से अब प्रदूषण को कम किया जाए उस पर काम चल रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ स्मोक गन लगाई गई है। कल भी जब ये इमारत ढाई गई थी तो भी करीब 100 ऐसा जानकारी मिल रही थी कि स्मोक गन जो है वो एयर को प्यूरिफाई करने के लिए, एक तरीके से धूल के जो कण है हवा में घुले हुए उनको कम करने की यहाँ पर कोशिश हो रही थी। इसके अलावा जरा आपको हम यहाँ ये भी दिखाते हैं, जो इमारत आप देख रहे हैं इमारतों में भी किस तरीके से उनको ढका गया है, क्योंकि धूल के कण, बहुत सारे लोग हैं जो अभी नहीं लौटे हैं, लेकिन सोसाइटी में 60% से ज्यादा लोग हैं
सफाई का काम जो चल रहा है वो देखिए किस तरीके से रोड में जमे डस्ट को धूल को साफ करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ट्विन टावर तो ध्वस्त हो चुका है लेकिन अभी काम बहुत बाकी है। अभी जो ये मलबा है जिसको हटाने में कहा जा रहा है 3 महीने का वक्त लग सकता है, वो वक्त और लंबा भी खिंच सकता है क्योंकि अंदर से भी हमने तस्वीरें देखी, मलबे का एक ढेर सा है, 3 मंजिल इमारत जितनी बड़ी होती है उतना बड़ा ये ढेर नजर आ रहा है। ट्विन टावर का नामोनिशान मिट गया लेकिन उसके बाद भी अगले कुछ महीनों तक इस सोसाइटी में रहने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मलबे को हटाने का काम शुरू हो गया है लेकिन इसमें लंबा वक्त लगना है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इस इलाके में धूल से निपटना बड़ी चुनौती होगी। घरों में अंदर तक बड़ी मात्रा में गर्द है, अगले कुछ दिनों तक घर की साफ सफाई भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। हम अपने घर में भी जो है पहले उसको झाड़ू से साफ किया है, उसके बाद पानी से बचा खुचा पन्नियों में इकट्ठा किया है, इतनी महीन डस्ट है पन्नियों में इकट्ठा किया ताकि वो प्रॉपरली डिस्पोज हो जाए। अच्छा, आप लोगों को ये डर नहीं है क्योंकि कल भी मैं यहाँ थी, धूल बहुत है, आज भी कुछ स्थिति वैसी ही है, सांस लेना थोड़ी दिक्कत है? खास बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई खास बात है, धूल है, मास्क लगा लो, अब क्या करोगे, ये तो आज नहीं तो कल ये होना ही था। इस सोसाइटी में नियमों की अनदेखी करके और भ्रष्टाचार की मदद से दोनों टावर्स बनाए गए जिनको हटाने के लिए सोसाइटी के लोगों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और कामयाब रहे। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये है कि क्या उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिनकी मदद से ये टावर बनाए गए थे। अब आपको लगता है जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा करके, वो जस्टिस इमारत गिराने से मिल गया है, या आपको लगता है कि जो कल्प्रिट्स थे इसके लिए उनको वो भी कानून का सामना करें कम से कम? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी इमारत इस एरिया में खड़ा करना जहाँ पे इतने सारे रेसिडेंट्स रह रहे हैं, उनकी जान को जोखिम में डाल के ये इमारत तोड़ी गई है, तो हाँ बहुत होना चाहिए उन लोगों के साथ, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए एक्शन। रियल स्टेट सेक्टर एक तरीके से एक 2009-10 का एक पीरियड था जिस समय रियल स्टेट सेक्टर से बड़ा कोई सेक्टर भी नहीं था, अगर देखा जाए तो हर 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 बिल्डर अपने आप में एक शहनशाह की तरह बिहेव करने लग गया था, तो कुछ हद तक उस चीज को उस चीज पे एक लगाम लगेगी कि कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, किसी भी तरह के अप्रूवल्स नहीं ले सकता। अभी भी कितनी सोसाइटीज हैं, कितने टावर्स हैं जहाँ पे रजिस्ट्रीज नहीं हो रही हैं, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे हैं। मेरा खुद का एक आम्रपाली में फंसा हुआ है जो वो जब मिलेगा तब मिलेगा वाले सिचुएशन में है, उसमें भी कई सारी चीजें इश्यूज हैं। बट वो इस तरह की लड़ाई जब तक एज अ जनता की तरह हम लोग जो लोक रिप्रेजेंटेटिव हैं जब तक हम लोग उस चीज को पुश नहीं करेंगे, और मेरी अपील रहेगी सभी लोगों से कि जब तक आप लोग अपनी तरफ से पुश नहीं करेंगे सुनने वाला लोग कम ही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से टावर गिरा दिए गए हैं, इस तरह गैर कानूनी तरीके अपनाने वाले बिल्डर्स को मैसेज भी मिला है, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? नोएडा से आशुतोष मिश्रा के साथ अर्पिता आर्य, गुड न्यूज टुडे। नोएडा में भ्रष्टाचार के ट्विन टावर के मामले में योगी सरकार ने जांच करवाई और इसमें 26 सरकारी अफसरों को दोषी पाया गया। टावर बनते समय ये अफसर किसी न किसी पद पर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी में तैनात थे और इनकी निगरानी में ही इमारत को 15 से 32 मंजिला बनाने की मंजूरी दी गई। और इन अफसरों में कौन कौन है वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मोहिंदर सिंह का नाम है जो कि नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ थे। 2006 में इनके कार्यकाल में ही ट्विन टावर बनने की शुरुआत हुई थी। उसके बाद एसके द्विवेदी सीईओ बने, उनके कार्यकाल में इमारतों की ऊंचाई बढ़ाने का की अनुमति मिली। इस मामले में जो अफसर शामिल रहे उनमें आरपी अरोड़ा, यशपाल सिंह, ऋतुराज व्यास का नाम भी आता है। कुल मिलाकर 26 अफसरों का नाम इस लिस्ट में शामिल है जिनमें ज्यादातर अब रिटायर हो चुके हैं। इस मामले में योगी सरकार ने जांच करवाई और दोषियों की लिस्ट बनाई गई। अब जबकि ट्विन टावर गिरा दिए गए हैं, इंतजार अब इसी बात का है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, आरोपी कब जेल में जाएंगे। एसआईटी की जांच में अफसर ही नहीं बल्कि सुपरटेक लिमिटेड के निदेशक और आर्किटेक्ट को भी दोषी माना गया। निदेशक आरके अरोड़ा, संगीता अरोड़ा, अनिल शर्मा और विकास कंसल के नाम शामिल हैं। इसके अलावा आर्किटेक्ट और इंजीनियर डिजाइनर को भी दोषी माना गया, लेकिन आज तक इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नोएडा के ट्विन टावर घोटाले में उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2021 के सितंबर महीने में एक जांच के आदेश दिए।
आईडीसी की अध्यक्षता में चार अफसरों की टीम ने एसआईटी गठित कर जांच शुरू की और इस जांच रिपोर्ट के आधार पर कुल 26 अधिकारी दोषी पाए गए। इन 26 अधिकारियों में वर्तमान में दो अधिकारियों की मौत हो चुकी है, 20 अधिकारी रिटायर हो चुके हैं और चार अधिकारी जो अभी भी विभिन्न पदों पर तैनात थे उनको सस्पेंड किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश के विजिलेंस विभाग ने भी एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। फिलहाल ये जांच अभी जारी है, लेकिन इतना जरूर है कि नोएडा ट्विन टावर घोटाले में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कवायद शुरू की उसमें अभी कई और अधिकारियों पर गाज गिरना बाकी है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, गुड न्यूज टुडे। तो ट्विन टावर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। भ्रष्टाचार की नींव पर बने ट्विन टावर जमींदोज होने के दौरान उनके आसपास की इमारतों या फिर सोसाइटीज को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि 700 किलो विस्फोटक की मदद से एटीएस विलेज की करीब 15 फीट की चार दीवारी को नुकसान जरूर हुआ है और साथ ही कई फ्लैट्स की खिड़कियों के कांच भी टूट गए हैं। इस नुकसान की भरपाई आरएफएस इंजीनियरिंग करेगा। नोएडा के सेक्टर 93A में मौजूद एटीएस ग्रीन्स विलेज में हालात का जायजा लिया मेरे सहयोगी सुशांत मेहरा ने। हम इस वक्त मौजूद हैं एटीएस के टावर के अंदर, जहां से ट्विन टावर महज 30 फीट की दूरी पर था। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये ट्विन टावर की तस्वीरें हैं जो कि एटीएस टावर के महज बहुत नजदीक था। प्रोजेक्ट मैनेजर की अगर बात की जाए, उन्होंने कहा था कि जब ये पूरी तरीके से ब्लास्ट हुई बिल्डिंग, तो एटीएस टावर में हल्का फुल्का जो दिक्कतें जो है वो सामने आई हैं। कई सारे शीशे जो है वो टूटे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मकान थे उनमें किस तरीके का डैमेज जो है वो यहाँ पर हुआ है। कई तरीके के शीशे जो है वो घरों के अंदर जो थे वो पूरी तरीके से डैमेज हो गए हैं। लगातार यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से सफाई का काम जो है वो चल रहा है। हालांकि एटीएस टावर की अगर आप देखेंगे तो 15 से 20 फीट की जो बाउंड्री वॉल है उसको नुकसान जो है वो हुआ है, क्योंकि टावर का जो एक हिस्सा है वो यहाँ पर आके गिरा है। हमारे साथ आदर्श कुमार हैं जो कि एडमिन मैनेजर हैं। सर, किस तरीके की यहाँ पर तैयारियां जो है वो की गई, कितना नुकसान और हुआ है यहाँ पर? बस बाउंड्री वॉल के नुकसान हुई और दो चार फ्लैट जो है इसमें ग्लास टूटा है। और सफाई के लिए हमारी नोएडा अथॉरिटी पूरी सपोर्ट कर रही है और सुबह से हम लोग लगे हैं इसकी सफाई के लिए। जी, पहले हम लोग रोड का क्लियर कर रहे हैं कि जिसे रेसिडेंट को कोई मूवमेंट में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं नोएडा अथॉरिटी किस तरीके से यहाँ पर काम जो है वो करती हुई नजर आ रही है। तमाम जो टीमें हैं वो लगातार इस पूरे एरिया को कवर करें ताकि जो रहने वाले लोग रेजिडेंट उनको परेशानी जो है वो ना हो। और अभी फिलहाल अथॉरिटी की तरफ से ये तैयारियां जो है वो की जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आईजीएल की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर पहुंची, जबकि जब ये ब्लास्ट हुआ था उससे पहले यहाँ के तमाम टावर्स की अगर बात की जाए तो उनकी पाइपलाइंस जो है वो बंद की दी गई थी, लेकिन अब उनको जो है वो फिर से शुरू करने की कवायद जो है वो की जा रही है ताकि लोगों को जो यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। तो ट्विन टावर से अमरल कोल सोसाइटी के टावर एस्टेट 2 केवल 9 मीटर की दूरी पर था, लेकिन उसे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि इस इमारत में रहने वाले लोगों को वापस आने पर धूल की परतों से जरूर निपटना पड़ा है। अपने घरों की साफ सफाई में जुटे हैं तमाम लोग और इस बात का उनको संतोष है कि भ्रष्टाचार के प्रतीक बने ट्विन टावर की वजह से उन्हें कोई नुकसान ज्यादा नहीं झेलना पड़ा है। उनके घर और घर में रखे सामान बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ट्विन टावर की मिट्टी में मिल जाने के बाद वापस अपने घर लौटे सीमा दत्त और उनकी बेटी नंदिनी से बात की मेरे सहयोगी आशुतोष ने। तस्वीरें देखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हम लाइव ही किसी के घर में चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको ले आते हैं जो ये एस्टर टावर 2 है, मेरे ठीक पीछे महज कुछ फीट की दूरी पर ये पूरा मलबा है और ये पीछे जो आप देख पा रहे हैं सफेद पर्दा काला हो चुका है। नीचे जो कंटेनर थे लगभग 12 मीटर की ऊंचाई तक लगाए गए थे कि मलबा यहां तक ही पहुंचेगा और देखिए बिल्कुल वैसा ही हुआ। वाइब्रेशन से बचाने के लिए नीचे टायरों में जो कुछ देख पा रहा हूं टुकड़े यहां पर ज्यादा नहीं आए हैं, यानी अंदर की तरफ नुकसान नहीं हुआ है। ये एक तरफ की तस्वीरें, हम यहां से आगे आपको तस्वीरें दिखाएं। नंदिनी और उनकी मां, ये परिवार अब यहां पर पहुंचा हुआ है। बात करते हुए चलें, डर है मैं मन में कुछ कि हम जवाब छोड़ के गई थी क्या? अब डर नहीं है बिकॉज ये पता चल चुका है कि एवरीथिंग इज सेफ। ठीक है, तो नंदिनी का पूरा परिवार यहाँ पहुंच चुका है। दरवाजे के बाहर जाते समय डिक्लेरेशन ये दिया गया था कि क्या क्या करें। देखिए ये सीमा दत्ता का घर है। नंदिनी, तब तक आप लाइट जला दें, लाइट कनेक्शन की आपको इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस बंद करने होंगे, गैस कनेक्शन बंद करना होगा, पानी का कनेक्शन बंद करना होगा और उसके बाद आप घर में जैसे ही बिजली रिस्टोर की जाएगी, क्योंकि ज्यादातर कनेक्शन जो है
उनको उस समय बंद कर दिया गया था। अब जैसे हम घर में आते देखिए, बहुत ज्यादा नुकसान घर में नहीं हुआ है जब तक कि बिजली रिस्टोर की जाएगी। देखिए एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए सब कुछ जस का तस है। अगर घर में कुछ है, थोड़ी बहुत डस्ट हो सकती है, ये शीशा है, ये बालकनी है, देखिए सब कुछ है, एक खरोंच भी नहीं आई है। ये फ्रिज जो था इसको ढका हुआ था, इसको इन्होंने हटा दिया है। ये माइक्रोवेव है, बबल शीट, देखिए इस तरह की बबल शीट से पूरे घर को सुरक्षित किया गया था। हर अप्लायंसेस को खासकर कनेक्शन बंद किए गए थे तो इनको हटाया गया है। शीशा जो हम देख पा रहे हैं अब वो फिलहाल उसको कोई चोट नहीं पहुंची है, टूट नहीं हुई है। बाहर जो कि शीट लगाए गए थे, पेपर लगाए गए थे, सोफा फर्नीचर जो सब कुछ है वो कपड़े से चद्दर से ढका हुआ है। अब चूंकि मेड आ गए हैं सुबह सुबह तो किचन की भी सफाई हो रही है। हाँ, डस्ट अंदर जरूर आई है इन तमाम प्रिकॉशंस के बाद। ये देखिए इससे पता चलता है मार्ग जो अंदर लगभग एक मिलीमीटर आप समझिए कि इतना मोटा है, डस्ट पार्टिकल जरूर है। अब एक एक करके घर का सामान जो है वो सही जगह रखने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कुछ देखा आपने घर में आई हैं? एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट राइट नाउ, बाकी मोर ऑर लेस एवरीथिंग सफाई करने में आसानी हो जाएगी। हाँ, डस्ट ज्यादा नहीं है बट टेन सारा सामान इन प्लेस है जैसे हम छोड़ के गए थे, बिल्कुल नुकसान कुछ नहीं हुआ है। देखिए हाथों में अब ये माइक्रोवेव, इसको सेट करने की तैयारी हो रही है। किचन एक तरफ तैयार हो गया है, यहाँ पर आप देखिए कि ये डाइनिंग का एरिया है और जितना भी मटेरियल हम कुछ देख पा रहे हैं घर पे, हर जगह अगर कुछ है तो वो है सिर्फ धूल। हालांकि जो सबसे, चूंकि ये 9वीं मंजिल है, 902 घर है जहां पर हम हैं, लेकिन अगर आप जाएंगे बाकी के कमरों की स्थिति क्या है नंदिनी, अगर आप वो भी दिखा सकें। बालकनी की ओर चलने की कोशिश करें किस तरफ हम देख पाए, आइए हम बालकनी देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहीं से हमें वो तस्वीर दिखाई पड़ेगी जो उस मलबे की और जो इमारत है। अब सीधे हम आ रहे हैं कुछ ही सेकंड में बालकनी के, और इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ क्या तस्वीर है। यहाँ कुछ भी देख पाना मुश्किल है, सिर्फ धूल से भरा हुआ है। सफाई की कोशिश की जा रही है और चारों तरफ मैं जो देख पा रहा हूँ वो सिर्फ मलबा है। हालांकि बाहर जो कवर लगाए गए थे वो नहीं फटे ज्यादा, पूरी शीट जस की तस बनी हुई है। अब जब साफ सफाई हो गई, एक सेकंड रुक जाइए, ये देखिए ये जो डस्ट है, तब अब स्केल से अगर इसको नापेंगे तो पता चलेगा कि लगभग आधा सेंटीमीटर मोटा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ धूल की परत है, इसको बचाने के लिए मोटे मोटे गत्ते लगाए गए थे, एयर कंडीशन जो है इस पर भी कवर लगाया गया है, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर भी डस्ट भरा हो गया हो। हाउ बिग टास्क है, कितना समय लगेगा आपको ये सब कुछ हटाने में? कम से कम 1 से 2 दिन लगेगा जब तक प्रॉपर क्लीनिंग होगी, उसके बाद भी ये नहीं कह सकते कि पूरा डस्ट वहाँ से, क्योंकि अभी एक चुनौती ये होगी नंदिनी, क्योंकि जब पूरा यहाँ से मलबा हटाया जाएगा, ड्रिलिंग होगी यहाँ पे, हो सकता है 3 महीने सांस लेने में दिक्कत हो, पोल्यूशन हो यहाँ पे। जी बिल्कुल, ऐसा पॉसिबिलिटी है बिकॉज यहाँ पे अभी भी बहुत सारा डेब्री रेजिड्यू पड़ा है, तो उसको क्लीन करने में फिर ये सारा एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत। एक बालकनी जो है इसका शीशा बिल्कुल टूटा नहीं है, दूसरा किसी कमरे को देख लें वहां पर भी क्या स्थिति आई, आपको दूसरे कमरे में लिए चलते हैं, वहां पर भी कहीं पर कोई नुकसान मेजर नहीं हुआ है। धूल धक्कड़ के अलावा बहुत कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तब आपको घर के दूसरे हिस्से में लिए चलते हैं, दूसरे कमरे में, यहाँ की बालकनी, यहाँ का भी शीशा बिल्कुल सुरक्षित लग रहा है। नंदिनी हमें पूरा अपना घर दिखा रही है, अगर यहाँ पर कुछ है तो वो सिर्फ गंदगी। देखिए बबल शीट बालकनी के हर एक दरवाजे पर, हर एक गेट पर लगाया गया था। नोएडा के ट्विन टावर्स को तोड़े जाने के बाद धूल का गुब्बार दिखा था, जिसके बाद लोगों का ये मानना था कि आसपास की सोसाइटीज में रहने वाले जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी। सैकड़ों टन धूल और मिट्टी हटने तक लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन डेमोलिशन के 24 घंटे बाद ही नोएडा और उसके आसपास के इलाकों में अच्छी खबर यह है कि हल्की फुहारें पड़ रही हैं, जिसकी वजह से उन नागरिकों को राहत मिली है जिन्हें वायु प्रदूषण के में इजाफे का डर सता रहा था। बारिश के दौरान हालात किस तरह के हैं आसपास के इलाकों में, अभिषेक आनंद मेरे सहयोगी बता रहे हैं। नोएडा में बारिश हो रही है और ये एक बड़ी राहत है एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज के निवासियों के लिए, क्योंकि ट्विन टावर का जो मलबा है उसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, हैवी बुलडोजर हैं और जैक हैमर हैं जिनकी मदद से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। ये बिल्डिंग के जो ब्लॉक्स हैं ये काफी बड़े बड़े गिरे हुए हैं और इनको यहीं पर छोटे पीसेस में तोड़कर ले जाने की फिलहाल तैयारी की जा रही है, और इसको छोटे पीसेस में तोड़ने के दौरान काफी मात्रा में धूल निकल रही है। बारिश से इस वक्त ये धूल थोड़ी कम है, लेकिन 3 महीने का काफी लंबा वक्त लगेगा करीब 30,000 टन मलबे को यहां से निकालने के लिए, और यही सबसे बड़ा इस वक्त
सबसे बड़ी परेशानी एक तरीके से कही है ये जो दोनों अपार्टमेंट और आसपास के जो निवासी हैं उनको है कि इसकी धूल से और ये जो शोर है ये 3 महीने तक उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। नोएडा की सीईओ रितु माहेश्वरी से भी एमराल्ड कोर्ट के जो निवासी हैं वो मिले और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि अगर कोई ऐसा तरीका निकाला जा सकता है कि इसके जो बड़े बड़े पीसेस हैं उन्हीं को यहां से ट्रांसपोर्ट करके और लैंडफिल साइट तक ले जाया जाए। हालांकि अभी ऐसी तकनीक डेवलप नहीं हुई है कि इतने बड़े ब्लॉक्स को सीधा उठाकर लैंडफिल साइट्स तक ले जाया जाएगा। ये जो तोड़ने की प्रक्रिया है ये काफी लंबी चलने वाली है, 3 महीने या उससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है और धूल और जो नॉइज पॉल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, वो अब यहां के निवासियों को सताने। तो ट्विन टावर के गिरने से भ्रष्टाचार की इन इमारतों को बनाने वाली कंपनी सुपरटेक को करीब 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। दोनों टावर्स के गिरने तक लगभग 711 फ्लैट की बुकिंग हो चुकी थी, अब दोनों इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। करीब 500 करोड़ के नुकसान के बावजूद सुपरटेक कंपनी के चेयरमैन आरके अरोड़ा को ये भरोसा वो दे रहे हैं कि कंपनी के दूसरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर बुरा असर नहीं पड़ेगा, ध्वस्तीकरण की वजह से हुए नुकसान का इन प्रोजेक्ट्स पर कोई भी बुरा असर नहीं होगा। पिछले 40 सालों से हम लोग रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं और लोगों का विश्वास है, लोगों का ट्रस्ट था। लगभग 70,000 मकान पिछले 40 सालों में डिलीवरी दिए हैं और सेटिस्फेक्टरी डिलीवरी दिए हैं, उनका जो है उनका एक विश्वास आज हमारे साथ है। और मैं आपको एश्योरेंस दिलाना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, अपने ग्राहकों को एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह 70,000 लोगों को हमने पजेशन दिया, उनके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से दिया, उसी तरह से बाकी 20,000 घरों को भी टाइमली पजेशन दिया जाएगा। उनको सभी प्रोजेक्ट के ऊपर आज की डेट में भी फुल स्विंग में काम चल रहा है और इस डिमोलिशन का इंपैक्ट उसके बाकी बचे हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर या बाकी बचे उन फ्लैटों के ऊपर कहीं नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अलग है, बाकी सारे प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, सारे फ्लैटों पे काम हो रहा है और 70-80% काम हम लोगों ने सभी प्रोजेक्ट्स पे काम कंप्लीट कर लिए हैं और बाकी सारे टाइमली विद इन 2 ईयर उन 20,000 लोगों को पजेशन दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। भारत के नए चीफ जस्टिस का आज सुप्रीम कोर्ट में पहला वर्किंग डे रहा। 2 दिन पहले उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली थी और आज से उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन पहले ही दिन मैसेज दे दिया कि उनकी कोशिश मामलों को जल्द से जल्द निपटाने की होगी। आमतौर पर दिन भर में जितने मामलों की सुनवाई होती है उससे कहीं ज्यादा याचिकाओं को आज सुना गया, सूचीबद्ध भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड रोस्टर के मुताबिक चीफ जस्टिस ने 15 बेंच में सुनवाई के लिए 60 मामले सौंपे और इस तरह 900 मामले लिस्टेड हुए। इन याचिकाओं में कर्नाटक हिजाब विवाद, केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत, गौतम नवलखा समेत कई अहम मामले भी शामिल हैं। सीजेआई यूयू ललित ने वकीलों को संबोधित करते हुए कहा कि अर्जेंट मामलों की हियरिंग को लेकर रेगुलेशन 1 से 2 दिन के अंदर तैयार कर लिया जाएगा। इस तरह उनका फोकस जल्दी से जल्दी केसों को निपटाने पर होगा। सुप्रीम कोर्ट में नए युग का आगाज हो चुका है और नए युग का मतलब है कि अब नए चीफ जस्टिस यूयू ललित ने अपने पूरे पत्ते साफ कर दिए हैं और उन्होंने ये कह दिया है कि उनके पास पूरा प्लान तैयार है जिस प्लान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अब तेजी से काम करेगा। यानी जो मुकदमों का बोझ है उसको कैसे हल किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 2.5 साल से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी संविधान पीठ नहीं बैठी। संविधान पीठ वो होती है जिसमें 5 या 5 से अधिक जज होते हैं और जो संविधान से जुड़े मुद्दों की व्याख्या करती है, ऐसे मुद्दों की जिस बारे में संविधान मौन है। संविधान में ये प्रावधान नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी प्रत्याशित आती हैं जिनके बारे में संविधान में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन संविधान क्या कहना चाहता है ये सुप्रीम कोर्ट बताता है। सुप्रीम कोर्ट का काम लोगों के कस्टोडियन होता है, लोगों के मौलिक अधिकार का और साथ ही संविधान का। तो संविधान में ऐसी चीजें जिनकी व्याख्या नहीं है, उन सारी चीजों की व्याख्या जहां संविधान मौन होता है वहां सुप्रीम कोर्ट मुखर होता है। सुप्रीम कोर्ट के अभी लगे हाथ चीफ जस्टिस यूयू ललित ने 2 संविधान पीठों का ऐलान किया जो मंगलवार से बैठेंगी और जिसमें एक संविधान पीठ चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई में होगी और जबकि दूसरी संविधान पीठ जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अगुवाई में सुनवाई करेगी और उन दोनों के पास कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जहां संविधान की व्याख्या करनी है।
और दूसरा चीफ जस्टिस ने साफ कह दिया कि जो मेंशनिंग है और लिस्टिंग है इसके भी नए नियम गुरुवार तक सार्वजनिक हो जाएंगे और जिसमें ऐसा नियम बनाया जाएगा कि मामला जैसे ही सुनवाई के लिए दाखिल होता है, याचिका दाखिल होती है, वो अपने आप सुनवाई के लिए आ जाए और ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि मेंशनिंग भी अधिक कोर्टों में की जा सके ताकि जो अर्जेंट मैटर होते हैं जिन पर कोर्ट को जल्दी सुनवाई करनी होती है वो सारी मेंशनिंग की जा सके, यानी जो अर्जेंट मैटर है उसके लिए याचिकाकर्ता को परेशान ना होना पड़े और ऐसा इंतजाम किया जाएगा जिससे कि मामले की सुनवाई में ज्यादा विलंब ना हो। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी अगर इंसाफ देरी से होता है तो उसका मतलब नहीं होता। अगर कई वजहों से हमारे देश में मामलों की सुनवाई जल्दी नहीं हो पाती, तारीख पर तारीख मिलती रहती है और नतीजे ये होते हैं कि कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या बेहिसाब हो जाती है, जो कि हो भी गई है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक देश भर में अदालतों की संख्या 2021 तक 4 करोड़ 50 लाख केस लंबित थे। इनमें 87% मामले सबॉर्डिनेट कोर्ट में है। उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का आंकड़ा 12.3% पाया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 70,000 से ज्यादा पाई गई है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है और लगातार बढ़ ही रहा है। ऐसे में जस्टिस यूयू ललित ने रोस्टर में सुनवाई के लिए ज्यादा केस लिस्टेड किए हैं तो इसे एक शुभ शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। तो पाकिस्तान पर जीत के साथ ही एशिया कप पर भारत की दावेदारी और मजबूत हो गई है। भारत की जीत जहां पॉइंट्स के आधार पर बेहद जरूरी थी, वहीं यह जीत टीम इंडिया का मनोबल बढ़ाने वाली रही है और इस जीत के साथ ही उन्होंने T20 वर्ल्ड कप की हार का बदला भी पूरा कर लिया है। एशिया कप 2022 में भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी मुकाबला नहीं था। दोनों टीमें एक हफ्ते के अंदर ही एक बार फिर से आमने सामने हो सकती हैं और इसकी संभावना काफी ज्यादा है भी। इसके लिए पाकिस्तान को बस हांगकांग को हराना होगा, जो उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। ऐसे में भारत एक बार फिर से पाकिस्तान को हराने की तैयारी कर सकता है। अगर एशिया कप के आंकड़ों पर ही नजर डालें तो पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकता। वहीं अगर पूल ए में शामिल हांगकांग की बात हम कर ले तो हांगकांग की टीम ने मस्कत के अल अमरात क्रिकेट स्टेडियम में यूएई को एशिया कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन भारत के मुकाबले हांगकांग की टीम कमजोर है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, यहां परिणाम बदलने में वक्त नहीं लगता। खैर, भारत की जीत की राह आगे बढ़ने के साथ ही उसकी चुनौतियां भी बढ़ जाएंगी। पूल बी की टीमों की बात करें जिसमें अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। फाइनल तक पहुंचने में भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है तीनों टीमें। अफगानिस्तान ने एशिया कप के पहले मैच में श्रीलंका को हरा दिया। उसने पूल बी के मुकाबले में 8 विकेट से जीत हासिल करके टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की है। उसके इस प्रदर्शन को देखते हुए अफगानिस्तान को नजरअंदाज करना भारत के लिए भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान पर जीत के बाद अगर एशिया कप की पॉइंट्स टेबल पर हम नजर डालें तो एशिया कप 2022 का हिस्सा 6 टीमें जिनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। वहीं इस टूर्नामेंट में 13 मैच खेले जाएंगे। ग्रुप ए में भारत पहले स्थान पर है, जबकि ग्रुप बी में अफगानिस्तान की टीम लीड करती नजर आ रही है। हर ग्रुप से 2 टीमें सुपर 4 में अपनी अपनी जगह पक्की करेंगी। ग्रुप ए में अब भारत का अगला मुकाबला बुधवार को हांगकांग की टीम से होना है। वहीं सुपर 4 में जगह बनाने के लिए शुक्रवार को पाकिस्तान के सामने हांगकांग की टीम को हराने की चुनौती भी रहेगी। एशिया कप में भारत सबसे सफल टीमों की लिस्ट में शुमार है। उसने इस खिताब को 7 बार अपने नाम किया है, जिनमें 6 बार वनडे और 1 बार T20 फॉर्मेट शामिल रहा है। इस वक्त भारत में कई खिलाड़ी अपने फुल फॉर्म में चल रहे हैं, जिससे उम्मीद अब यही लगाई जा सकती है कि भारत ने जिस तरह जीत से एशिया कप में शानदार शुरुआत की है वो लगातार जारी रहेगी और एक बार फिर से एशिया कप पर भारत की टीम का ही कब्जा होगा। आज खेल दिवस है। खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। देश में खेलों को बढ़ावा मिले इसके लिए सरकार खेलो इंडिया जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और इसके साथ ही साथ खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं और इसका नतीजा ये है कि आज ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ तक और वर्ल्ड चैंपियनशिप तक भारत के खिलाड़ी दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए हमारे खिलाड़ियों का जलवा। आज के ही दिन
हमें मेजर ध्यानचंद के रूप में एक महान स्पोर्ट्स पर्सन मिले थे। अपनी फिटनेस, स्टेमिना और हॉकी स्टिक से दुनिया को उन्होंने मंत्रमुग्ध कर दिया था। साथियों, आज का ये दिन हमारे उन युवा खिलाड़ियों को बधाई देने का भी है जो निरंतर दुनिया के मंच पर तिरंगे की शान को नई बुलंदी दे रहे हैं। एक जमाना था जब देश में खेल का मतलब क्रिकेट था। अब सिर्फ क्रिकेट के लिए देश का दिल नहीं धड़कता, सभी खेलों में भारतीय जीत का परचम लहराता है। चाहे ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप, दूसरे खेलों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सर्वश्रेष्ठ बनता जा रहा है। चाहे पुरुष टीम हो या फिर महिला टीम, उनके खेल की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। क्रिकेट के साथ साथ बॉक्सिंग, बैडमिंटन, निशानेबाजी और कुश्ती जैसे खेलों में आज भारत की टूटी बोलती है। गोल्ड और सिल्वर की चमक देश के आत्मविश्वास को भी चमका दी रही है और चमत्कार का अनुभव भी करा रही है। आज हम खेल जगत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक्स में 3 स्वर्ण पदक जीते थे, जिसके बाद हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह के जन्मदिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर घोषित किया गया। इस उपलब्धि की वजह यह भी है कि मेजर ध्यानचंद ने 1926 से 1949 तक अपने करियर में 570 गोल्ड लिए